केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का लिया निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लेकिन नदियों के जलस्तर में हो रही है कमी। और शहीद जवान खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। नमस्कार, अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि देश के युवाओं की पुरानी मांग थी, जिसे मंत्रिमंडल ने पूरा किया है। उन्होंने बताया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का ऐतिहासिक फैसला है। इससे युवाओं को हर स्तर पर लाभ मिलेगा। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 14 जून को सुशांत के मुंबई स्थित अपने आवास पर कथित आत्महत्या करने की खबर सुनकर लोग स्तब्ध रह गए थे। इस मामले में सुशांत के परिजन और उनके प्रशंसक सुशांत की आत्महत्या की खबर पर विश्वास नहीं कर रहे थे और लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुशांत की आत्महत्या मामले में पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज एफआईआर को सही ठहराते हुए कहा है कि इस मामले में जांच के लिए मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को मदद करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को झटका लगा है। लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन दिया गया। इधर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार सरकार की जीत है। एक तो ये कहा कि बिहार सरकार ने सीबीआई के लिए रिकमेंड किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई की इंक्वायरी हो वो बिहार सरकार ने भेजा था और इसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तय किया है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये जीत है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ये बिहार की जनता की जीत है। स्वागत करते हैं और ये जो जीत है ये तेजस्वी की जीत नहीं है, ये बिहार सरकार की जीत नहीं है, बल्कि बिहार की जनता की लोगों को जानकारी मिल सकेगी। और अब 3 मिनट में बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न नदियों कोरोना संक्रमण को लेकर गया में इस साल नहीं आयोजित होगा पितृपक्ष मेला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लिया निर्णय। लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 12 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहाँ
13,000 से अधिक की आबादी शरण ले रखी है। इसके अलावा 540 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 4,20,000 से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। SDRF और NDRF की 27 टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। इधर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा आज पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का मुआयना किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री झा ने कहा कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर कम है। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अभियंताओं को अलर्ट पर रखा गया है और वे लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं। सर यही गेट कौन सा सर? ये लास्ट ईयर से अभी 1 मीटर नीचे ही है। इसमें हाईएस्ट फ्लड लेवल आया था 21 अगस्त 2016 को, तो 50.5 था। तो अभी 1 मीटर नीचे कोई खतरे की बात बहुत नहीं है। और जो हम लोग अभी रिव्यू जो किए हैं तो पूरा जल संसाधन विभाग के सारे इंजीनियर सारे लोग अलर्ट पे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद बिहार के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान खुर्शीद खान का पार्थिव शरीर को देर रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौके पर CRPF के बिहार सेक्टर के अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तैनात बिहार के 2 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए। शहीद जवानों का पार्थिव शरीर कल पटना लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। कुर्बान हो गया और सरकार से अनुरोध है कि अगर सरकार चाहे तो हम 4 भाई अभी बेरोजगार हैं, 4 भाई कुर्बान होने के लिए तैयार हैं देश के लिए। इधर आतंकी हमले में शहीद जवान लवकुश शर्मा का आज राजकीय सम्मान के साथ जहानाबाद के पैतृक गांव स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद जवान के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने शहीद जवान के सम्मान में भारत माता की जय और शहीद जवान अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के अरगड़ा मोहल्ले में सामुदायिक शौचालय के निर्माण से लगभग 45 परिवारों की जिंदगी में बदलाव आया है। मुंगेर नगर निगम की मेयर रूमा राज बताती हैं कि सार्वजनिक शौचालय के उपयोग करने में उत्साह देखा जा रहा है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण के बाद महिलाओं को रात्रि में शौच के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है और उनमें व्याप्त जानवरों का भय भी समाप्त हो गया है। बहुत अच्छे से रहते हैं और 40 रुपया महीना हम लोग देते हैं, रखते हैं स्टाफ। हम लोग का खुशी की बात है, लेडीज लोग थे हम लोग, अब बाहर नहीं जाते हैं, हम लोग उसी में जाते हैं, उसी में साफ सफाई रख रहे हैं। हम लोग 40 रुपया के दे रहे हैं, एक संगठन बना करके उसमें एक साफ करने के लिए कर्मचारी रखे, वो साफ कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। सरकार दिए हम लोग को, इसका लाभ हम लोग बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं। नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारी भी बहुत सारे यहाँ रहते हैं और वही लोग इस शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि शौचालय बन जब नहीं थी तो यहाँ बहुत सारी परेशानी इन लोगों को होती थी, बाहर जाते थे और बन जाने से खासतौर से महिलाओं को और पुरुष भी इससे बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3,838 मरीज ठीक हुए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया, इसके साथ कार्य करने वाले राज्यों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सकी। 84,578 और अब 3 मिनट में 10 खबरें। कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर लगभग 75% हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,108 नए मामले सामने आए हैं, जबकि वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 27,612 है। इधर केंद्रीय मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद के निर्देश पर आज पटना एम्स में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CM सिंह को PPE किट दिया गया और पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया।
कटिहार जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत आदिवासी और महादलित टोलों में करीब 140 सामुदायिक शौचालय के निर्माण होने से वहां के स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। भूमिहीनों के बीच सामुदायिक शौचालय बनने से खासकर महिलाएं काफी खुश है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि लोग संपूर्ण स्वच्छता अपनाएं। इसी के तहत स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया और घरों में शौचालय बनवाए गए। ऐसे लोग जो अपने घरों में किसी वजह से शौचालय नहीं बनवा सके हैं, उन्हें खुले में शौच ना करना पड़े, इसके लिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं। कटिहार जिले की भवाडा पंचायत के कदेपुरा गांव के महादलित टोले के लोग, खास तौर पर यहां की रहने वाली महिलाएं सरकार के इस कदम से काफी खुश हैं। हम लोग को अच्छा लग रहा है, पहले बाहर जाते थे, अब बाहर जाना नहीं पड़ता है। हम लोग महिलाओं के लिए, सबके लिए अच्छा हुआ। इसके लिए सरकार के, हम लोग के तरफ से सरकार को धन्यवाद। पहले हम लोग नहर जाते थे, अब शौचालय बन गया तो सुविधा हो गया कि हम लोग का बगल में हो गया तो शौचालय में जाते हैं, साफ सफाई रहता है। पहले नहर जाते थे। वहीं इसी टोले के रहने वाले कुमार कौशल रजक बताते हैं कि करीब 40 परिवार इस सामुदायिक शौचालय का लाभ ले रहे हैं। समुदाय के ही 5 लोगों को इसकी निगरानी और साफ सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 40 घर हैं जो कि यूज करेंगे इसको और कर रहे हैं कुछ घर भी फिलहाल। जिले में इस योजना के तहत करीब 475 शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। अब तक 140 शौचालयों का निर्माण हो चुका है, जबकि शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि पहले चरण में बने सभी सामुदायिक शौचालय को महादलित और आदिवासी टोलों के भूमिहीन परिवारों को दिया गया है। ये एक वृहत उद्देश्य के क्रम में किया गया, कुल 472 सामुदायिक शौचालय बनाने का उद्देश्य कार्य करने वाले राज्यों के बारे में लोगों इसमें से 140 को हम लोग बना चुके हैं और भूमिहीन दलित लाभुकों को हम लोग दे चुके हैं। स्वच्छता का बुनियादी हक सबका है। ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है या किन्हीं कारणों से शौचालय नहीं बनवा पाए, उनके लिए सामुदायिक शौचालय स्वच्छता का एक विकल्प प्रस्तुत करता है। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर फिर से डालते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का लिया निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लेकिन नदियों के जलस्तर में हो रही है कमी। और शहीद जवान खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार।